आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ यूनर वीडियो इन यूट्यूब चैनल CE&T सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में सीखते हैं हाउ टू कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ शटरिंग एरिया इन बीम। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको बीम में जो रेनफोर्समेंट है, हमारा जो सरिया है वो कितना लगेगा, वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो आज वीडियो में सीखते हैं क्वांटिटी हमारी जो शटरिंग की है वो कैसे निकालते हैं, कितना बीम में एरिया आएगा शटरिंग का। ठीक है, देखिए हमारे पास है एक बीम है, ठीक है, जिसका जो स्पैन है 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर की आपकी बीम है और उसका जो क्रॉस सेक्शन है 230x350 का है। ठीक है, 230 की आपकी विड्थ है और 350 का आपका डेप्थ है। आप इसके नीचे देखिए, आप इसके नीचे अगर वॉल ले रहे हैं तो वॉल के लिए आपका इसमें बॉटम नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप इसमें लटक बीम लेते हैं, ठीक है, जो फ्रेम स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे सपोज़ कीजिए आपने कॉलम भी लिया, ठीक है, यहाँ पे आपको कॉलम भी आएगा, बट इस कॉलम की कंडीशन में आप कॉलम का जो एरिया होता है बीच में नीचे डिडक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, जो कॉलम होता है एरिया आप डिडक्शन नहीं करते हैं। चलिए कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आपको देखना होगा कि यहाँ पर ले लेते हैं हम कुछ एक इस तरह से टेबल, इसमें ले लेते हैं डिस्क्रिप्शन, ठीक है, और नंबर्स, कितने नंबर्स ऑफ हैं, शटरिंग का एरिया है और लेंथ है और ब्रेथ है, हाइट या डेप्थ, ठीक है, क्वांटिटी आपकी मीटर स्क्वायर में है, क्योंकि शटरिंग का जो एरिया होता है ऑलवेज मीटर स्क्वायर में होता है, एरिया में होता है। ठीक है, तो आपका एक रिमार्क है, जो आपका रिमार्क देना चाहते हैं किस तरह से आपने लिया। तो अब यहाँ पे आपको लेना है बीम वन, जो आपकी ड्राइंग में बी वन है, बी टू है, बी थ्री है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, उसके बाद देखते हैं बॉटम, बॉटम की लेंथ कितनी आएगी। तो बॉटम आप देख रहे हैं, ये वाला आपका बॉटम है। ठीक है, अगर आपकी बीम वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, सिक्स है, जो भी लिखना है, जैसे बीम वन है तो यहाँ पे जितनी भी नंबर्स है तो यहाँ पे लिख लेना, जैसे वन नंबर है बॉटम, और सपोज कीजिए आपकी जैसे बीम है चार, तो यहाँ पे आप चार कर दीजिए, यहाँ पे चार बीम कर दीजिए, जो भी आपकी बीम है। ठीक है, बट यहाँ पे कंडीशन में मैं क्या ले रहा हूँ, सिंपल वन बीम की, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वन बीम कर दिया है। ठीक है, तो आपकी बॉटम कितना रहेगा, वन, इसकी लेंथ कितनी है 5.0 मीटर, ब्रेथ कितनी है 0.23, उसकी चौड़ाई है बॉटम की 0.23, यहाँ से आप देख सकते हैं 0.23 mm है, mm को मैंने कन्वर्ट किया है मीटर में। ठीक है, तो 0.23 लेना है आपको, बस लेंथ इंटू ब्रेथ, इसमें दो ही चीज़ है ना आपकी, हाई तो नहीं है बॉटम में, तो सिंपल आपका ये हो गया 1.25 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे ऊपर लिख दिया है। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर में है ये। उसके बाद देखते हैं आपकी साइड, आपकी साइड क्या आएगी, बोथ साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड। ठीक है, तो दोनों साइड आएगी आपकी, तो सिंपल मैंने लिख दिया है इसमें साइड, तो साइड आपके पास है टू साइड, तो इसलिए दो साइड लिखा है। ठीक है, लेंथ आपके पास है 5 मीटर, बिकॉज आउटर से आउट आपकी पूरी लेंथ है 5 मीटर, तो ये 5 मीटर लिखा है। उसके बाद देखते हैं ब्रेथ, ब्रेथ की आपके पास चौड़ाई, आपने पूरी शटरिंग की लंबाई ले लेनी है, उसकी चौड़ाई लेनी है या फिर डेप्थ ले लेनी है, कितना है 350, तो आपके पास ये 0.35 मीटर, तो एरिया क्या आया आपके पास 3.50 मीटर स्क्वायर। क्लियर, अब देखते हैं स्टॉपर, स्टॉपर कौन सा होता है, स्टॉपर होता है वो साइड में होता है ना, लास्ट में, बोथ साइड में, ये वाली साइड है, ये वाली साइड है, साइड में आ जाता है, जैसे क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन क्या दिखेगा आपको, इस साइड से दिखेगा, साइड से ये फेस दिखेगा इस तरह से कुछ। ठीक है, तो इस तरह फेस आपके यहाँ पर आपको क्या लगेगा, स्टॉपर लगेगा, तो ये आपका फेस रहेगा, तो इसमें क्या रहेगा, ब्रेथ इनटू डेप्थ। ठीक है, तो ब्रेथ क्या है 230 और डेप्थ क्या है 350, तो यहाँ पे भी आपका एरिया लग रहा है, तो ये क्या रहेगा स्टॉपर का, ब्रेथ क्या आपके पास 0.23 मीटर। ठीक है, और डेप्थ क्या आपके पास, या हाइट 0.35 मीटर। ठीक है, आपके पास दो नंबर है, वन फेज एंड सेकेंड फेज, तो ये दो नंबर। क्लियर, उसके बाद देखते हैं क्वांटिटी मीटर स्क्वायर में, और टू को प्लस 2.23 को और 35 को, इन तीनों को गुना कर देते हैं जो 0.16 मीटर स्क्वायर आता है। ठीक है, इन तीनों प्लस कर देते हैं तो आपके पास 5.25 मीटर स्क्वायर, ये आपके पास एरिया आ जाएगा।
अगर आप चाहते हैं कि मेरे इसमें प्लाई बोर्ड कितने लगेंगे तो वो कैसे निकालते हैं, देखिए प्लाई बोर्ड रिक्वायरमेंट निकालने के लिए आपके पास आता है एरिया ऑफ शटरिंग, आपके पास एरिया ऑफ शटरिंग है डिवाइड बाई एरिया ऑफ वन प्लाई बोर्ड, सिंपल आपके पास प्लाई बोर्ड निकल जाएंगे। तो 5.25 मीटर आपके पास है एरिया और 2.97 आपके पास आ जाता है वन प्लाई बोर्ड का एरिया। देखो कैसे निकाला वन प्लाई बोर्ड का एरिया क्या हमने कैसे निकालते हैं, तो एरिया वन बोर्ड के निकाल लेता है आपके पास 4x8 फीट का एक प्लाई बोर्ड होता है, तो 8×32 फीट आपका ये 32 फीट स्क्वेयर आपका एरिया हो गया है, 32 स्क्वेयर फीट एरिया हो चुका है। ठीक है, तो स्क्वेयर फीट को आपको कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वेयर में। ठीक है, मैंने वीडियो बना चुका हूँ फीट को मीटर में, मीटर को फीट में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसमें देख सकते हैं। सिंपल ये फीट स्क्वेयर है तो फीट को आपको कन्वर्ट करना है मीटर में, तो 32×0.929 आपका मीटर स्क्वेयर, या फिर 32 डिवाइड बाई कर सकते हैं 3.2808 समथिंग से। ठीक है, तो आपके पास ये आएगा, तो सिंपल आपके पास 2.97 मीटर स्क्वेयर एरिया आ चुका है प्लाई बोर्ड का, तो सिंपल इसे भाग कर देंगे तो 1.77, तो ये आधा बोर्ड से ज़्यादा है, तो इसलिए आपको रिक्वायरमेंट आएगी दो प्लाई बोर्ड की। ठीक है, तो इसमें आपको सिंपल दो प्लाई बोर्ड लगेंगे इस वाले बीम में। ठीक है, तो इससे आप शटरिंग का एरिया निकाल सकते हैं और आपका रिक्वायरमेंट निकाल सकते हैं। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने हमारे साथ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। पर अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ।